नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कौटल पाटिल। कौटल पाटिल ने आज 8% के आसपास का रिटर्न दिया है और बोलिंजर बैंक का ब्रेकआउट भी दिया है डेली चार्ट में। तो चलिए आज हम स्टॉक का एनालिसिस करके देखते हैं कि इस स्टॉक में हमारी पोजिशन ले सकते हैं या नहीं, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। चलिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि क्या और ये क्या काम करती है। तो कौटल पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड है। तो कंपनी इज इन रियल एस्टेट बिजनेस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल विथ डोमिनेंट प्रेजेंस इन द पुणे एंड ग्रोइंग प्रेजेंस इन मुंबई एंड बेंगलोर। कंपनी मार्केट इट्स प्रोजेक्ट अंडर टू ब्रांड्स, एक तो कौटल पाटिल है और दूसरा क्या है 24K प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट का कुछ है। अब इसका अगर मार्केट कैप देखें तो 3724 करोड़ है, तो ठीक ठाक बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पी 28.8 है, तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा वैल्यूएशन नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक वैल्यूएशन है। आरओसी 13.6% है, आरओसी 5 ईयर का 12.2% है, ये पॉजिटिव है और 10% से ऊपर है तो ठीक है। प्रॉफिट वेरिएशन माइनस में, मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है पिछले दिनों में। बुक वैल्यू और करंट प्राइस का कंपेयर करें तो बुक वैल्यू जो करंट प्राइस है 490 है और बुक वैल्यू 138, मतलब कि लगभग 3 गुने के आसपास, 3 गुने से ज्यादा ही, मतलब 3.5 गुने के आसपास में ट्रेड करा है करंट प्राइस। डिविडेंड ये देता है स्टॉक। इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू भी 3.7 है और इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है। अगर इसके चार्ट की बात करें तो देखिए ये चार्ट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। इसने 232 का एक लो बनाया था और उसके बाद 486, मतलब कि मुझे लगता है 100% के आसपास इसने रिटर्न दे चुका है 28 मार्च से अब तक। और इसका प्रोज और कौन की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अच्छा क्वार्टर देने की संभावना है। और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.55 टाइम्स इज बुक वैल्यू। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर पीयर्स की बात करें तो डीएलएफ जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको टॉप करता है। और पीई की बात करें तो पीई के हिसाब से इससे भी अच्छा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आपका, इससे भी कम पीई में ये स्टॉक मिल जाएगा। इन दोनों के आप डाटा आपस में कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि विच स्टॉक इज बेटर। चलिए हम कौटल पाटिल डेवलपर्स का चार्ट देखते हैं, चार्ट में ये क्या कह रहा है। तो देखिए ये मंथली चार्ट इसका हमने ओपन किया और ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ऑलरेडी इसने कप पैटर्न का भी ब्रेकआउट, अगर आप देखें कि प्राइस निम्न, तो अगर ये लास्ट हाई जो बनाया था 403 का, उसको इसने ब्रेक कर दिया था मंथ ऑफ जुलाई में और अब भी उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और अभी इसका एनालिसिस करते हैं तो शुरू से देखना बहुत जरूरी है। 2007 में ये लिस्ट हुआ था, तब इसकी लिस्टिंग प्राइस लगभग थी आपकी 230 रुपए के आसपास। उसके बाद ये नीचे गया और इसने नीचे अपने लो बनाए थे 18 रुपए के आसपास के, फिर ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहा और इसने जो 403 का हाई बनाया था वो यहाँ पे बनाया था। ये आपका महीना था लगभग, ये मंथ 2017-18 की बात है, 2017-18 इसने ये हाई बनाया था और उससे बाद से ये कंटिन्यूअसली नीचे ही रहा। और आज मतलब जो पिछले दो मंथ जुलाई में, 3 जुलाई मतलब जुलाई के मंथ में इसने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया और उसके बाद से आप देख सकते हैं 432 से अभी तक ये 490 के रिटर्न दे चुका है। चलिए इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में ये देखने से हमें लग रहा है, ये यहाँ से देखिए ये कौन सी अगस्त को, 24 जुलाई को ये इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और उसके बाद से ये जितने भी वीक है ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और इवन जो 9 EMA का जो सपोर्ट है उसको लेते हुए ये ऊपर की तरफ वॉक कर रहा है। अभी डेली चार्ट में हम देखते हैं तो इसमें स्क्वीज हुआ था डेली चार्ट में, अभी पिछले कुछ यहाँ से इस दिनों से अगस्त, 10 अगस्त से आप देख सकते हैं ये एक ही प्राइस में एक तरह का पैटर्न बना रहा था प्राइस एक्शन और फिर इसने आज इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो डेली चार्ट में इसका ब्रेकआउट है और मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी इसने जुलाई मंथ में ही कप पैटर्न का ब्रेकआउट कर लिया था और फंडामेंटल्स भी इतने पुअर नहीं है। आप वापस नजर डाल सकते हैं फंडामेंटल्स पे इसके, तो आरओसी पॉजिटिव है, आरओई भी पॉजिटिव है और फ्री कैश फ्लो भी है इसके पास, बुक वैल्यू से ज्यादा पे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसमें परचेजिंग की जाए अगर विथ ये जो प्राइस एक्शन हुआ इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके, तो इसमें की जा सकती है। और छोटी ड्यूरेशन के लिए अगर आप करेंगे तो फिर आवरली या 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट
देखना होगा इंट्राडे। जब पोजीशन आप बना रहे हैं तब 5 मिनट का चार्ट देख के भी बना सकते हैं। अगर 5 मिनट में फिर कंसोलिडेशन हो रहा है या 5 मिनट का बोलिंजर ब्रेक लो से टच होके, इस तरह से आप अपनी पोजीशन है इसमें बना सकते हैं। 5 मिनट का एनालिसिस मतलब इंट्राडे एनालिसिस हो जाता है, वो भी आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद हमें उसमें एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ता है। तो एंट्री पॉइंट आप चार्ट से ढूंढ सकते हैं, जो कि 5 मिनट 15 मिनट का एनालिसिस करके किया जा सकता है। देखिए 5 मिनट का एनालिसिस करके देखने तो इसमें लास्ट में ही काफी वॉल्यूम बढ़ा है, 477 से 490, ये लास्ट के जो 30 मतलब 245 से 235 से ही इसमें तेज मूवमेंट आया। उससे पहले सुबह से इसमें तेज मूवमेंट था, फिर दिन भर ये स्लो मोशन में रहा और फिर लास्ट में इसमें मूवमेंट आया। और तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक यू।